सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 23 मई और टाइम हो चुका है अभी 2:49 और हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग से बैठे हैं कि कोई ट्रेड यहाँ पर मिल जाए, बट यहाँ पर अभी तक मार्केट ने हमें कोई सा भी ट्रेड नहीं दिया है। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी भी ओपन कर लेता हूँ। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देखेंगे मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, देन यहाँ पर मार्केट देखिए एक रेंज में फंस चुका है, यहाँ से बाहर मार्केट नहीं निकल पाया, पूरा दिन इसी में बीत गया और मैं भी इसी चक्कर में बैठा था कि मार्केट किसी भी तरफ तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसी के अंदर मार्केट घूम रहा है। अगर इसके अंदर भी हम लोग ट्रेड करते तब भी यहाँ पर लॉस में ही निकलना पड़ सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्केट में वीक बहुत बड़ी बड़ी क्रिएट होती हैं और मार्केट यहाँ पर जाता नहीं है ना ऊपर नीचे, यहाँ पर साइडवेज एंड वोलेटाइल टाइप का माहौल मार्केट क्रिएट करके रखता है। तो ऐसे मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करना, चाहे बाइंग करेंगे चाहे सेलिंग करेंगे, दोनों में आपका लॉस ही होना है। ठीक है, अगर आपने आज ट्रेड किया होगा बहुत आप खुशनसीब होंगे कि आपने प्रॉफिट निकाल लिया होगा, अदरवाइज आपने यहाँ पर लॉस किया होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो आज इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी आप पोजिशन नहीं क्रिएट किया। देखेंगे मैंने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मार्केट आज साइडवेज एंड वोलेटाइल है और यहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट में कुछ यहाँ पर ट्रेड बनी नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर पोस्ट क्या करूँ या मैं खुद कौन क्या ट्रेड करूँ। ठीक है, तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने का मतलब है कि अपना कैपिटल है उसको गंवाना, तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपना कैपिटल यहाँ पर गंवाया जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती ट्रेड करना है किसी को तो करो, उसके बाद फिर लॉस करो, फिर उसके बाद में ये होगा कि मार्केट से बाहर हो जाते हैं, पैसा ही नहीं रहता ट्रेड करने के लिए। तो जब मौका मिले, जब आपका लेवल आए तो आप ट्रेड करो, और मौका जब नहीं आता है तो ट्रेड मत करो। अगर यहाँ पर आपका ये लेवल था, यहाँ पर ट्रेड किया आपने, एक लॉस दिया, देन यहाँ पर मार्केट मतलब यहाँ पर एक आपने ट्रेड लिया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया लॉस दिया, बस अब बैठे रहो कि अब दोबारा ये लेवल निकले तब मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, कि ये वाला रेसिस्टेंस है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन सकता है, तो ये वाला ब्रेक करने होने का यहाँ पर वेट कर लीजिए। अगर जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं तो फिर भाई भगवान ही बचाए उससे आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, आज के दिन का। इसलिए हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज मेरा जो मूड था, आज फिर निफ्टी में एक्सपायरी था आज। ठीक है, तो मेरा पूरा प्लानिंग था कि आज मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा फिर निफ्टी में, लेकिन यहाँ पर भी वही देखने को मिला कि मार्केट देखिए पूरा का पूरा साइडवेज एंड वोलेटाइल क्रिएट हुआ है, एंड देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर टाइम है, थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट कोई एक मूव दे सकता है, 2:52 हो रहा है तो मार्केट हो सकता है एक सडन मोमेंटम तेज़ी से दे सकता है, डाउन साइड या अपर साइड जिस साइड भी दे दे, तो एक तेज़ी से मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब ऐसा दिन भर रहता है तो एक मोमेंटम मार्केट देके ही जाता है लास्ट टाइम में, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। देखिए ऐसा यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक तेज़ी से बड़ी कैंडल ऐसे क्रिएट करती है, लोगों को क्या लगता है कि मार्केट ऐसे ऐसे भागता हुआ नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या होता है जैसे ही यहाँ पर लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं डाउन साइड के लिए, मार्केट धड़ाम से ऊपर निकल जाता है। ऐसे ही अपर साइड में होता है, मार्केट लोगों को लगता है एक बड़ी कैंडल बन रही है स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन अपर साइड के लिए लोग यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, मार्केट घूम के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट बंद होने के समय है, मार्केट बंद होने के समय जो मोमेंटम होता है बहुत फास्ट होता है और बहुत फास्ट रिवर्स भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेडर ही उसको पकड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि छोटा उसको पॉइंट चाहिए और वो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आज के दिन हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया, और अब मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी ट्रेड मत करिए ऐसे जब मार्केट क्रिएट करता है सिचुएशन। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का मतलब है कि आपने जो पोजीशन लिया उसमें लॉस तो होगा ही, अगर बार बार आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर बड़ा लॉस दे के जाएंगे इतने ही मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केट में कि आप अपना कैपिटल बचाएं, ट्रेड करो ना करो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस मत करो, आप लॉस भी कर रहे हो तो ओवर लॉस ना करो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर लॉस मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका आपका कैपिटल बचना चाहिए बस। ठीक है, सो आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको हमारी तरफ से मेरा लाइव ट्रेडिंग पोजिशन देखने को मिलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।